डियर स्टूडेंट्स, आज के इस क्लास में बीकॉम पार्ट थर्ड के ईएफएम विषय के यूनिट पाँच में सहकारिता की विचारधारा पर चर्चा की जाएगी, जिसमें हम अर्थ और परिभाषा पर मुख्यतः चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं सहकारिता का अर्थ, मीनिंग ऑफ द कॉरपोरेशन। सहकारिता शब्द है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, सह प्लस कारिता या सह प्लस कार। सहकार, सह का अर्थ है साथ या मिलकर, और कार का अर्थ है कार्य करना या कार्य करने से है। यह शब्द अंग्रेजी के को प्लस ऑपरेशन से मिलकर बना है। इस प्रकार सहकारिता का अर्थ हो गया किसी सामान्य उद्देश्य की पूर्ति के लिए साथ मिलकर कार्य करना। लेकिन केवल मिलजुल कर कार्य करने को ही सहकारिता नहीं कहा जा सकता है, इसके साथ साथ समानता, स्वेच्छा और व्यक्तिगत हित के स्थान पर सभी के हित को प्राथमिकता देना, इन सभी बातों का सहकारिता में समावेश किया जाता है। केवल आर्थिक हितों की पूर्ति और उन्नति के लिए किए जाने वाले कार्य ही सहकारिता की परिभाषा में आते हैं, यानी ऐसे कार्य जो आर्थिक हितों से जुड़े हुए हैं और आर्थिक हितों की पूर्ति के लिए और आर्थिक हितों की उन्नति के लिए किए जाएं, वे ही कार्य सहकारिता में शामिल होंगे। सहकारिता न केवल व्यवसाय से संबंध रखती है, अपितु व्यवसाय करने का एक ढंग या एक मेथड भी है। सहकारिता केवल व्यवसाय से संबंध रखती है जिसमें किसी व्यवसाय के आर्थिक हितों को उन्नत करने के लिए मिलकर कार्य किया जाता है। इस प्रकार यह एक व्यवसाय करने का तरीका भी है। जिस प्रकार व्यवसाय को चलाने के लिए सोल ट्रेड, पार्टनरशिप, कंपनी के प्रारूप हैं, उसी प्रकार सहकारिता भी एक प्रारूप के रूप में मान्यता प्राप्त है। अब हम बात करेंगे सहकारिता की परिभाषाओं पे। सहकारिता की परिभाषाओं को अनेक दृष्टिकोणों से मापा गया है। पहला जो दृष्टिकोण वह है पारस्परिक सहायता के द्वारा आत्म सहायता के सिद्धांत पर आधारित परिभाषाएं। सहकारिता में एक दूसरे की सहायता को जो मोटिव बनाया गया है कि हम सभी मिलके कार्य करके खुद की सहायता कर सकते हैं, तो इसकी जो परिभाषा दी है वह महात्मा गांधी के द्वारा दी गई है। जब मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए यथाशक्ति सब कुछ कर लेता है, तब वह अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अपने पड़ोसियों का सहयोग प्राप्त करता है। यही तो सच्चा सहयोग है। महात्मा गांधी ने अपने आर्थिक विचारों में सहकारिता को स्थान दिया है। उनके द्वारा एक छोटा सा उदाहरण के द्वारा सहकारिता को समझाया गया है कि जिस प्रकार मनुष्य अपनी समस्त शक्ति लगा के अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाता है, तो उसके पास दूसरों से सहयोग मांगना ही एक रास्ता बचता है। उसी प्रकार जब व्यक्ति सहयोग एक दूसरे का करते हैं, वहीं से सहकारिता शुरू होती है। पारस्परिक सहायता पर आधारित दूसरी परिभाषा दी है एमटी हेरिक ने। इनका कहना है सहकारिता स्वेच्छा से संगठित ऐसे व्यक्तियों की क्रिया है जो सामूहिक लाभ या हानि के लिए पारस्परिक प्रबंध के अंतर्गत अपनी शक्तियों, संसाधनों या दोनों का सम्मिलित ढंग से उपयोग करते हैं। यानी सहकारिता एक ऐसे व्यक्तियों का संगठन है जो स्वेच्छा से
एक दूसरे का सहयोग के लिए आगे आते हैं और अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए व्यवसायिक क्रियाएं करते हैं जो आर्थिक उन्नति के लिए अग्रसर होती है और सभी अपनी शक्तियों का, पावर्स का, अपने संसाधन रिसोर्सेज का या रिसोर्सेज और संसाधन दोनों का उपयोग करते हैं। अब हम बात करेंगे आर्थिक हितों में वृद्धि के सिद्धांत पर आधारित परिभाषाओं के बारे में। यदि सहकारिता बिना आर्थिक सिद्धांतों के है तो उसे सहकारिता नहीं कहा जाएगा, उसे सहयोग का नाम दिया जाएगा। आर्थिक हितों को साधने के लिए जब व्यक्ति या विभिन्न व्यक्ति आपस में एक दूसरे का सहयोग प्रदान करते हैं और सम्मिलित रूप से किसी उद्देश्य को प्राप्त करते हुए अपने स्वयं के उद्देश्यों की पूर्ति करते हैं तो इसे सहकारिता कहा जाता है। तो जो सबसे बड़ा उद्देश्य है इसमें आर्थिक हितों को साधने को है। तो इससे संबंधित जो परिभाषा दी है वह डॉक्टर कैलाश नाथ काटजू ने दी है। डॉक्टर कैलाश नाथ काटजू भारत के सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश रह चुके हैं। उन्होंने जो परिभाषा प्रतिपादित की वह इस प्रकार है, सहकारिता आत्म सहायता व पारस्परिक सहायता दोनों हैं। यह ऐसे व्यक्तियों का संगठन है जो आर्थिक दृष्टि से कमज़ोर हैं और अपने पैरों पर खड़ा होने की सामर्थ्य नहीं रखते, अतः लाभ अर्जित करने के लिए बल्कि अपर्याप्त वित्तीय साधनों से उत्पन्न अपनी असमर्थता पर विजय पाने और इस प्रकार आर्थिक दशा सुधारने के लिए संगठित होते हैं। तो काटजू सर ने सहकारिता के अंतर्गत आत्म सहायता और पारस्परिक सहायता दोनों को साधने का ही तरीका बताया है। सहकारिता को कि व्यक्ति पारस्परिक सहायता करते हैं एक दूसरे की मिलजुल के, तो उनका पारस्परिक उद्देश्य भी इससे सफल हो जाता है और साथ साथ में खुद की जो सहायता है वो भी हो जाती है। और ये ऐसे व्यक्तियों का संगठन है जो आर्थिक दृष्टि से कमज़ोर हैं, यानी कमज़ोर व्यक्ति हैं वो सहकारिता के माध्यम से अपने आर्थिक हितों को साधने की कोशिश करते हैं और जिनके अपने पैरों पर खड़ा होने की हिम्मत नहीं होती। यदि व्यक्ति अपने अकेला पैरों पर खड़ा नहीं हो सकता तो दूसरे का सहारा लेके खड़ा हो सकता है। उसी प्रकार अनेक व्यक्ति जिनके आर्थिक हित कमज़ोर हैं वो सभी मिलके अपने आर्थिक हितों को साधने के लिए सहकारिता का सहारा लेते हैं और अपनी असमर्थता पर विजय पाते हैं और अपनी आर्थिक दशा सुधारते हैं। जो दूसरी परिभाषा दी है वह श्री वी एल मेहता ने दी है। उनके अनुसार सहकारिता समान आवश्यकताओं व समान आर्थिक लक्ष्यों की पूर्ति के लिए संगठित होने वाले व्यक्तियों के स्वैच्छिक संगठनों का प्रवर्तन करता है। यानी मेहता सर के अनुसार सहकारिता समान आवश्यकताओं और समान आर्थिक लक्ष्यों की पूर्ति के लिए किया जाने वाला एक स्वैच्छिक प्रयास है। तो इसमें आर्थिक लक्ष्यों के ऊपर परिभाषा में जोर दिया गया है, यानी जो सभी व्यक्ति मिलकर आपस में सहयोग कर रहे हैं उनके सभी का आर्थिक लक्ष्य समान होता है और सभी की आवश्यकताएं भी समान होती हैं। अब हम बात करेंगे सहकारिता के को व्यापारिक विधि मानने वाली मान्यता पर आधारित परिभाषाओं पे कि सहकारिता एक व्यापार का तरीका है और जिस प्रकार एकांकी व्यापार है, एकांकी व्यापार सोल ट्रेड है, पार्टनरशिप साझेदारी है और जो कंपनी प्रारूप है वो सभी व्यवसाय करने के तरीके हैं, उसी प्रकार सहकारिता भी एक व्यवसाय का तरीका है। उससे संबंधित जो परिभाषाएं हैं उनमें पॉल लैम्बर्ट ने परिभाषा दी है, सहकारी समिति एक ऐसी संस्था है जो उपभोक्ताओं द्वारा बनाई एवं संचालित की जाती है जिसमें जनतंत्र के नियमों का पालन किया जाता है और जिसका प्रत्यक्ष उद्देश्य अपने सदस्यों के साथ साथ संपूर्ण समुदाय की सेवा करना है। तो पॉल लैम्बर्ट सर ने कहा है कि सहकारिता एक समिति है जो उपभोक्ताओं द्वारा बनाई और संचालित की जाती है, यानी जो इसके मेंबर्स होते हैं वो स्वैच्छिक आधार पर मेंबर बनते हैं, उन्हीं के द्वारा इसका संचालन किया जाता है
और यहाँ पर जो उत्पादित वस्तुएं हैं और जो निर्माण जिन वस्तुओं का किया जाता है उनका क्रय विक्रय भी किया जाता है, और ये इसमें जनतंत्र के नियमों का पालन किया जाता है और उनका प्रत्यक्ष उद्देश्य वह है कि अपना जो व्यक्तिगत है हित है उसको साथ देने के साथ साथ में समुदाय की सेवा करना भी शामिल है। सेलिंगमैन ने परिभाषा दी है, तकनीकी अर्थ में सहकारिता उत्पादन व वितरण की क्रियाओं में प्रतिस्पर्धा को त्याग कर सभी प्रकार के मध्यस्थों को हटाना है, यानी टेक्निकल परिभाषा है। इसके अनुसार सहकारिता के माध्यम से उत्पादन और वितरण में जो जितने भी मध्यस्थ होते हैं उन सबको हटाकर उपभोक्ताओं तक प्रत्यक्ष रूप से उत्पादित किया हुआ माल पहुंचाना है और उपभोक्ताओं को सीधा फायदा पहुंचाना है, जिससे कि सहकारी समिति के संचालन जो कर्ता सदस्य हैं उनका सामूहिक हित भी साधा जा सके और व्यक्तिगत हित भी साधा जा सके। क्यों उत्पादन और उत्पादन के बाद में जो वितरण के क्रियाएं हैं उनमें यदि मध्यस्थों को हटा दिया जाता है तो वस्तुएं का मूल्य अधिक नहीं बढ़ता और वह सहकारी समितियों के द्वारा ही अपनी दुकानों के माध्यम से उपभोक्ता तक पहुंचाई जाती हैं वस्तुएं, तो इससे उसका प्रत्यक्ष लाभ समाज तक भी पहुंच जाता है। अब हम बात करेंगे वैधानिक परिभाषाओं के बारे में कि जो कानून में परिभाषाएं लिखी हुई हैं। जापान के सहकारिता अधिनियम 1921 के अनुसार सहकारी समिति एक ऐसा संगठन है जिसका अस्तित्व वैध है और जिसमें सीमित साधनों वाले व्यक्ति इसलिए शामिल होते हैं कि वे सामूहिकता के सिद्धांतों पर कार्य करके अपने आर्थिक स्तर को विकसित व उन्नत कर सकें। तो जापान के सहकारिता अधिनियम 1921 के अनुसार सहकारी समिति है ये जो संगठन है उसको वैधानिक अस्तित्व प्राप्त है और इसमें सीमित संसाधन वाले व्यक्ति या संसाधनों की दृष्टि से कमज़ोर व्यक्ति हैं वो आपस में इसलिए मिलते हैं कि वे सामूहिकता के सिद्धांतों पर कार्य कर सकें, यानी जो सहकारिता के सिद्धांत उन पर कार्य करते हुए अपने आर्थिक हितों को अधिक उन्नत और विकसित कर सकें। भारत के सहकारी अधिनियम में सहकारिता की कोई परिभाषा नहीं दी गई है, परंतु इस अधिनियम के धारा 4 के अनुसार सहकारी समिति एक ऐसी समिति है जिसका उद्देश्य सहकारी सिद्धांतों के अनुरूप अपने सदस्यों के आर्थिक हितों में वृद्धि करना है। यानी सहकारी समिति के माध्यम से सहकारिता को समझाया गया है कि सहकारी समिति है उसके जो सदस्य होते हैं वे सहकारी सिद्धांतों को पालन करते हुए अपने गतिविधियों का संचालन करते हैं और उससे जो लाभ होता है संचालन से उसके माध्यम से अपने आर्थिक हितों की वृद्धि को पूरा करते हैं। पहले संगठन जो है सहकारी संगठन होता है उसके आर्थिक हितों की वृद्धि होती है और जब सामूहिक संगठन के आर्थिक हितों की वृद्धि हो जाती है तो फिर सभी मेंबर्स अपना अपना हिस्सा लेकर अपने आर्थिक हितों में वृद्धि करते हैं। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।